हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 27 है और ये 9th ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में ही कंटिन्यू, जो कि इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 24 किया था। तो हमने आर्थिक गतिविधियों के तीन क्षेत्रकों में वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया था। ये क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र है। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने के अन्य तरीकों को भी हो सकते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, तथा संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र के रूप में भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है ना रोजगार उत्पन्न हो सकता है और सबसे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज जो का जो वर्कशीट है, इसमें डियर स्टूडेंट जो इसका जो आर्थिक गतिविधि का जो फिर से वर्गीकृत है, दो तरीके का हो सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के आधार पर, या फिर और के दूसरे तरीके से हो सकता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के रूप में, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के वो निम्नलिखित विशेषता है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सरकार की जो नियंत्रण होता है, जैसे आप देखिए, जैसे आप लाल किला हो गया, इस पर किसका है नियंत्रण? सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार का नियंत्रण है। जैसे आप कुतुब मीनार देख लीजिए, जैसे आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, जो वहाँ ताजमहल देखा होगा, ठीक है, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है, रोजगार की सुरक्षा होती है इसमें। इसमें साथ साथ में सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है और संवैधानिक छुट्टियां व अन्य सेवाएं भी दी जाती है, यानी छुट्टी भी इसमें वर्क करने वाले लोगों को भी मिलती है। और जैसे कि आप जानते हैं, जो संडे को हॉलीडे होता है, तो ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का हॉलीडे है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे में, ठीक है, अब देखिए भारतीय रेल सबके लिए सब बराबर है ना। निजी क्षेत्र में जो किसी व्यक्ति का जो होता है, क्या होता है इसमें, उनका अधिकार होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की संपत्ति होती है, पर निजी स्वामित्व होता है, इसका खुद का मालिक होता है, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, यानी खुद से ज़्यादा लाभ कमाओ। रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है इसमें, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध नहीं करवाती है। और सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती, यानी इसमें ज़्यादातर छुट्टी नहीं दी जाती, अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी ये रूल लगा सके, ठीक है। उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं, जैसे टिस्को एक तरह का टाटा का कंपनी है, जो टाटा आप चाहे तो अपने एम्प्लॉय को हर संडे छुट्टी दे, कभी कभी नहीं भी देती हो, ठीक है। तो ये सारे हम निजी क्षेत्र है, क्योंकि उसका मालिक निजी होता है, ठीक है। अब इसी में डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से प्रश्न है, यह ना उसको भी देखेंगे। उसके बाद कह रहे संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र के रूप में भी देखिए, संगठित क्षेत्र में जो उचित चेतना वेतन मिलता है, ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी है, ठीक है, कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, जैसे नौकरी की निश्चित होती है, कर्मचारी योजना का लाभ होता है और कार्य भी बेहतर परिस्थिति में होते हैं, जैसे बैंकिंग में होता है। जैसे उसके बाद असंगठित क्षेत्र का हम उदाहरण देखेंगे, तो इसमें कम वेतन होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी इसको टैकल करती है, ठीक है, और कार्य का समय निश्चित नहीं होता, जबकि नौकरी की अनिश्चितता होती है और कर्मचारी योजना का अभाव होता है और निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए रेहड़ी और पटरी वाले को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बेहद ही आसान से चार प्रश्न है, इस सभी का एक एक करके आंसर देख लेते हैं प्यारे स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना की। सार्वजनिक क्षेत्र में केवल राष्ट्र के नागरिकों की सेवा के लिए कार्य किया जाता है, यह हमेशा सरकार के नियंत्रण और नियमों के तहत काम करता है, उदाहरण के लिए डाकघर। निजी क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए काम करते हैं और यह हमेशा निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तियों के समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत सारे है इसमें, कम पॉइंट लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डियर स्टूडेंट संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र की तुलना करें, दोनों के में अंतर लिख दीजिए, हो गया। संगठित क्षेत्र, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है और यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं और इसमें में सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है और यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, यानी असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर संक्षिप्त में निबंध लिखिए। तो असंगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जिसमें
सरकार द्वारा कोई पंजीकरण नहीं होती है, जिसके कारण एक ऐसे क्षेत्र में बिना किसी नियम कानून के लोगों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और इसमें वर्कर को कम मजदूरी, अधिक घंटे काम करना, रोजगार की गारंटी नहीं होती है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव होता है। इसमें कार्य करने वाले लोगों का निम्न जीवन स्तर लगातार बना रहता है और यह अपनी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इट्स टू इजी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे, डाकघर, BSNL, विद्युत बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, ये सब हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं। निजी क्षेत्र में जैसे मारुति, हिंदुस्तान, लीवर लिमिटेड, रिलायंस, टिस्को, बजाज, ये सारे निजी क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्योंकि इस चैनल को शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच बढ़े, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।